फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है। इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप होता है जिसमें एक फोटो कैथोड होता है। ये 0 वोल्ट की सप्लाई इस पे होती है और एक एनोड होता है। एनोड पे हाई वोल्ट की सप्लाई होती है और बीच में बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिसे डायनोड्स बोलते हैं। इन उन सब पे अलग अलग सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या होता है कि जब ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो कि कनेक्टेड होती है हमारी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में, उसे कहते हैं डायनोड्स। यानी कि ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। जब हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में से लाइट को हम फॉल करवाएंगे तो हमारे जो लाइट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डायरेक्टली कैथोड से एनोड की तरफ मूव नहीं करेंगे, बल्कि डिफरेंट एनोड से स्ट्राइक करेंगे, डिफरेंट डायनोड से स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद वो एनोड पे रीच करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, इंसिडेंट लाइट फॉल की जाती है। इंसिडेंट लाइट जब कैथोड पे पड़ती है तो कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस होती हैं। जो हमारा कैथोड है उस पे फोटो एमिशन मटेरियल कोटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और फर्स्ट डायनोड की तरफ मूव करते हैं। हर एक डायनोड को अलग अलग सप्लाई दी गई है, इसको 100 वोल्ट, इसको 200, इसको 300 और इसको 400, नेक्स्ट 500, इस तरह से सबको डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई दी गई है। नेक्स्ट जब हमारी यहाँ से हमारी सप्लाई क्या है, ज्यादा है, ये इस इलेक्ट्रोड पे डायनोड पे ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है, इसमें भी एक फोटो एमिशन मटेरियल कोटेड है। हर एक इलेक्ट्रोड पर फोटो एमिशन मटेरियल कोटेड होता है जो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, प्रोड्यूस करता है। ये जो एमिशन होता है इसको हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। उसके बाद जब यहाँ से जब हमारी रेज गई, इलेक्ट्रॉन्स गए, तो यहाँ से 100 वोल्ट की सप्लाई दी गई, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जो मूव करेंगे सेकेंड डायनोड की तरफ। यहाँ से हमारे पास 200 वोल्ट की सप्लाई दी गई है हमें सेकेंड डायनोड को। जब हमारे यहाँ पे रेज सप्लाई स्ट्राइक करेंगे हमारे सेकेंड डायनोड पे, तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और ज्यादा रेज प्रोड्यूस होंगी और वो क्या करेंगी, मूव करेंगी थर्ड डायनोड की तरफ, जिसको हमने 300 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। यहाँ से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और डायनोड की तरफ, थर्ड डायनोड की तरफ मूव किए, यहाँ से जा रही है 300 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ से फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये एक फोटो एमिशन मटेरियल होता है जो कोटेड होता है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो क्या होगा कि वो फोर्थ डायनोड की तरफ मूव करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इस तरह से क्या होता है, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। यहाँ से 400 वोल्ट की सप्लाई दी है और यहाँ ये क्या करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे और वो ब्रीच करें, वो पहुंचेंगे एनोड तक। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डायनोड्स का यूज करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं और उन्हें सप्लाई भी अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। ये है हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसकी एडवांटेज ये है कि इसकी जो रिस्पॉन्स होता है, टाइम रिस्पॉन्स, वो हाई होता है और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी हाई होता है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और ये इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट नहीं करता, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आज इसमें इफेक्ट में आ जाए तो इसकी जो वर्किंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकती है।